शहर कोतवाली के बड़ा गांव दरवाजा के पास सोमवार को बड़ा हादसा होते होते बचा। दोपहर के वक्त अचानक एक पुराने मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें सड़क पर चल रही एक माँ बेटी व दो अन्य महिलाएं घायल हो गईं। झांसी के बड़ा गांव दरवाजे के पास एक पुराना मकान अचानक ध्वस्त होकर गिर गया, जिससे राह से गुजर रही तीन महिलाएं व एक लड़की चोटिल हो गई। अचानक हुए इस हादसे से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जब यह हादसा हुआ तो क्षेत्रवासियों को मलबे में किसी के दबे होने की आशंका हुई, जिसके बाद जेसीबी मशीन से मलबा हटाया गया, लेकिन फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि अभी हाल में ही इस पुराने मकान को बेचा गया है और क्रेता ने यहां बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर से निर्माण कार्य शुरू भी करा दिया। हो सकता है हादसे का कारण भी यही हो। हादसे में चोटिल हुई वर्षा साहू, भागेश्वरी देवी और उनकी बेटी स्वाति घायल हो गई हैं, जिन्हें प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। तो नगरा साहब ने आदेश किया कि जेसीबी लेके वहाँ पहुंची है, तो जेसीबी मैंने पंचवटी से वहाँ रवाना कर दी है। जेसीबी घूम के आ रही है, हम डायरेक्ट सीधे अंदर से शहर से पहुंच गए हैं और यहाँ ये मलबा गिरा हुआ पाया। इस मलबे को हम तत्काल हटवा के और रास्ता साफ करा देंगे। आई यहाँ पे बहुत पुरानी क्षतिग्रस्त वो थी, एक बिल्डिंग थी, अचानक से गिर पड़ी पूरी। बहुत दो बच्चियाँ इसमें बहुत ज्यादा उन्हें चोट आई है और उनके ऊपर सर भी फूट गया उनका। हम लोगों को जैसे ही पता चला तत्काल हम लोग यहाँ भागे। एक जेसीबी रास्ते से निकल रही थी, उसे पकड़ा, नगर निगम की थी, यहाँ से सफाई कराई सबकी और उनको तत्काल वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचा। छह दिनों से काम चल रहा था। न्यूज़ बीके के लिए झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।